है टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खुला है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। फ्री में किसानों को यहां आवश्यकता का सामान दिया जा रहा है। यहां टिकरी बॉर्डर पर मॉल खुला है। मॉल में किसानों को यहां उनकी जरूरत का हर सामान मिल रहा है। हर रोज 500 किसानों के लिए यहां सामान लेने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को भी उनकी आवश्यकता का सामान किसान मॉल में मिल रहा है। किसान मॉल में देसी गीजर और वॉशिंग मशीन भी है। तो टिकरी बॉर्डर पर यहां किसान मॉल खुला, किसानों के लिए यहां तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फ्री में किसानों को यहां पर आवश्यकता का सामान मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के मार्फत आप देखें कि इस किसान मॉल में तमाम पुरुष किसानों के लिए भी हर आवश्यकता की सामग्री मौजूद है। और जो महिला किसान यहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो महिला किसान हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से यहां पर बैठी हुई हैं, उनके लिए भी यहां आवश्यकता का हर सामान मौजूद है। तो मॉल में किसानों को जरूरत का सामान मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हर आवश्यकता का सामान इस मॉल में रखा हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं के लिए भी उनकी आवश्यकता का हर सामान किसान मॉल में नजर आ रहा है। और यहां अगर पुरुष किसानों की बात करें तो उनके लिए भी यहां हर प्रकार का सामान नजर आ रहा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं टिकरी बॉर्डर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, यहां जो किसान हैं वो बीते 28 दिनों से लगातार डटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अन्नदाता हैं उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। और फिलहाल क्या ताजा तस्वीर यहां देखने को मिल रही है, मुखातिब कराएं। सोनिया, टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों का आना जाना जारी है। किसान आते हैं टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने ट्रोलियों को लौट जाते हैं। ट्रोलियों की संख्या में यहां कोई कमी नहीं आई है। लगातार किसानों के समर्थन और सहयोग में लोग आगे आए हैं। कभी कोई संगठन आता है तो कभी कोई संगठन आकर समर्थन देता है। किसान भी आ रहे हैं, समाजसेवी संगठन भी आ रहे हैं, खाप पंचायतें भी आ रही हैं। हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। जो समाजसेवी संगठन है उन्होंने किसान खालसा एड संगठन ने किसान मॉल भी खोल दिया है। इस किसान मॉल के जरिए जो किसान है, महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो, तमाम लोगों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। वॉशिंग मशीन भी है, देसी गीजर भी है, सुई धागे से लेकर सैनिटरी पैड, कंबल, चादर, अंडरवियर, तब तमाम सामान, साबुन तेल तक की व्यवस्था इस किसान मॉल में की गई है, ताकि किसानों को हर सुविधा मिल सके। यहाँ घर से जो दूर किसान बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, उन किसानों को तमाम सुविधाएं मिल सके और वो अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ते रहे। इसी सोच के साथ खालसा एड ने किसान मॉल की शुरुआत की है। जी बिल्कुल प्रवीण, अगर महिला किसानों की भागीदारिता की बात करें तो पुरुष किसानों की तादाद तो लगातार हम देख ही रहे हैं, तो ऐसे में महिला किसानों की कितनी भागीदारिता यहां पर देखी जा रही है? सोनिया, महिला किसान भी यहाँ काफी संख्या में मौजूद हैं। बहादुरगढ़ में इस समय एक धरना टिकरी बॉर्डर पर चल रहा है, दूसरा पकोड़ा चौक के पास भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा का धरना चल रहा है। एकता भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की बात करें तो वहां पर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। जितने टिकरी बॉर्डर पर है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा महिलाओं की संख्या है। महिला किसान लगातार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, लगातार महिला किसान आंदोलन को मजबूती देते हुए, महिला किसान यहाँ पर सड़क पर किनारे रसोई सजाकर रोटियां भी बनाती हैं। महिला किसान सड़क से निकलते हुए नारेबाजी भी करते हैं और महिला किसान टिकरी बॉर्डर और पकोड़ा चौक के पास धरना स्थल पर बैठकर किसान नेताओं की बातें भी सुनती हैं और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार भी कर रही हैं। अब प्रवीण, अगर यहाँ जो रिहायशी व्यवस्थाएं हैं उनका जिक्र करें, क्योंकि किसान अपने ही स्तर पर तमाम रिहायशी सुविधाएं लेते हुए नजर आ रही हैं, तो यहाँ क्या प्रशासन की ओर से इन दिनों के अंतराल में कोई सुविधा किसानों को दी गई है? क्योंकि किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों में सोते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने टेंट में नजर आ रहे हैं, या किसी सामाजिक संस्था की ओर से दिए गए टेंट्स में वो नजर आ रहे हैं, तो इसी बीच अगर प्रशासन के सहयोग का जिक्र करें तो कितना सहयोग यहां देखा जा रहा है? सोनिया, प्रशासन का सहयोग इनके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर नहीं है, हाँ इनके स्वास्थ्य को लेकर जो रेडक्रॉस की तरफ से स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं। साफ सफाई के लिए नगर परिषद ने व्यवस्था की है। जहां तक रहने की बात करें तो किसान खुद ट्रैक्टर ट्रोलियों में ही रह रहा है, ट्रैक्टर ट्रोलियों में अपना बिस्तर सजाया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रोलियों में दिन रात बिताता है, ट्रैक्टर ट्रोलियों में ही सर्दी से बचाव के भी उपाय किए हुए हैं। ये देखिए, एक ट्रोली का मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस ट्रोली के अंदर अभी इस वक्त 6 किसान बैठे हुए हैं और रात के वक्त इसमें इससे भी ज्यादा किसान बैठकर इसी ट्रोली के अंदर
सो भी जाते हैं, इसी ट्रॉली के अंदर आराम फरमाते, इसी ट्रॉली के अंदर चर्चाएं भी करते हैं किसान बिल को लेकर। एक किसान हमारे साथ है, सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लगातार इन ट्रैक्टर ट्रोलियों में बैठे हुए हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर खाते पीते हैं, सारा काम इन्हीं ट्रोलियों में हो रहा है, कितनी तकलीफ? देखिए तकलीफ तो है, देखिए ये जो बुजुर्ग हैं हमारे 80-80 साल इनकी उम्र है, क्या हम इन लोगों ने घर पे रहना था, घर के सभी काम काज देखते हैं, लेकिन तकलीफ हम इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हम अपना बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर है जो वो अंधेरे में जा रहा है, इसलिए हमको तकलीफ तो है, लेकिन हम इसको घर बनाकर बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक मोदी जी मानेंगे नहीं। बिल्कुल सोनिया, किसान देव मन बना चुका है कि तब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे। मैं एक तस्वीर और दिखा देता हूँ, जो समाज सेवी संगठन लगातार मदद कर रहे हैं, ये नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ हर्बल टी बनाई गई है, और ये हर्बल टी या इसको काढ़ा कहें, काढ़ा किसानों को पिलाया जा रहा है। लगातार ये लोग भी उसी दिन से सेवा में जुटे हुए हैं जिस दिन से ये किसान यहाँ पर टिगरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप लोग किस तरीके से सेवा कर रहे हैं किसानों की। आप देख रहे हैं हर्बल टी या काढ़ा जिसको कहें, वो बना रहे हैं, क्या रेसिपी है आपकी? हम नेचुरल थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमारे को घर में सारी चीजें मिलती है, जैसे दालचीनी हो गई, अदरक हो गया, पुदीना हो गया, लहसुन हो गया, जिसे टोटल नेचुरल थेरेपी से हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं काढ़ों का, क्योंकि यहाँ पर गले खांसी सर्दी का मौसम है तो उसमें लोगों को खांसी और जुकाम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसलिए हमने काढ़ा बनाया है स्पेशल हमारा, जिसमें जो हमारे को घर में मिलती है सौंफ होगी, मुलट्टी होगी, शहद, गुड़, दालचीनी, हल्दी, इनका एक नमने मिक्सर बनाया है, तो वो उस काढ़े से इनके खांसी और जुकाम में बहुत फर्क पड़ रहा है। कितने किसान यहाँ पर आपकी सेवा का फायदा उठा रहे हैं और कुछ लाभ भी मिला, वापस आकर बताएं किसान? नियर अबाउट करीबन डेली का हमारे 2,500 किसान आते हैं, 2-2,500 डेली का है, और आज पिछले करीबन 24-25 दिन हो गए हमको, हमारे नियर अबाउट करीबन 28,000 ग्लास लग चुके हैं अभी तक जब से हम आए यहाँ पर। सुनिए, लगातार जो समाज सेवी संगठन कहें या जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लगातार किसानों की मदद में जुटा हुआ है, कोई नेचुरोपैथी से किसानों की मदद कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहा है, कोई घरेलू नुस्खों से ही किसानों को राहत और स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिशें कर रहा है। जी बिल्कुल प्रवीण, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहाँ ट्रॉली में भी जो कई किसान वहाँ मौजूद थे, तो ऐसे में उन किसानों से अगर आप एक बार और बात कर सकते हैं तो उनसे आप जानिएगा कि आप यहाँ सर्दी के दौरान यहाँ डटे हुए हैं। कई ऐसे किसान हैं जिनके सर्दी के कारण मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक के कारण मौत हो चुकी है, तो ऐसे में जो बुजुर्ग किसान यहाँ पर डटे हुए हैं वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं शारीरिक तौर पर पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया, किसानों से बात कर लेते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन जहां तक बात करें दिक्कतों का समाधान करके किसान खुद इन ट्रैक्टर ट्रोले में आया है, सोने के लिए गद्दे लगाए हुए हैं, चद्दर भी है, कंबल भी है, और जिन किसानों के पास चद्दर, कंबल या गद्दे नहीं है उनके लिए समाज सेवी संगठन खालसा एड की तरफ से और भारतीय किसान यूनियनों की तरफ से लगातार सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। किसान हमारे साथ एक बार फिर से हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या तकलीफें हैं यहाँ पर आप लोगों को, या जो दूसरे किसान उनको क्या क्या तकलीफें? देखिए तकलीफें तो है, लेकिन हमको देखिए तकलीफें इतनी महसूस नहीं हम करते। हम लोग देखिए ठंडी का दिन है, ठंडी की रातों में हम लोग जो अपनी फसल है उसको सींचते हैं, पानी लगाते हैं, हमको तकलीफ इतना ज्यादा महसूस नहीं होती, फिर भी हमारा जो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। आप क्या कहेंगे, सरकार से बातचीत अभी बंद हो रही है, यहाँ पर सर्दियां बढ़ रही है, समस्याएं किसानों को काफी आ रही होंगी, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं? देखो जी समस्या तो है ही है, जेडे किसान इतने आए ने, बाकी हुण असीं इह तों बिना करांगे नहीं की, ये साडी जेडे बजुर्ग ने साडी बड़ी मेहनत करके जेडी जमीन को उपजाऊ बनाया है, अब फसल देने लगी है, अब ये मोदी के जो कॉर्पोरेट घराने इन्होंने हमारी जमीनों पर आंख रख ली है, ऐसे थोड़ा देंगे, ये तो आर पार की चलेगी, ये तो जिन्ना चिर मोदी मानेगा ना हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सोनिया, किसान मन बना चुके हैं कि चाहे वक्त कितना ही लग जाए, समस्याएं तकलीफें कितनी आए, लेकिन यहाँ से तब लौटेंगे जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। बिल्कुल अप्रवीण, इनसे ये भी जानिए कि अभी जो फसलें इन्होंने बेची उसका संपूर्ण लागत का जो कुछ भाग है क्या इनको मिल पाया, ये कहें कि संपूर्ण लागत क्या पूरी हो पाई इन किसानों की? सोनिया, जहां तक संपूर्ण लागत की बात करें तो संपूर्ण लागत तो किसान को नहीं मिल पाती, जहां तक एमएसपी की बात करें तो एमएसपी पे भी फसलों की खरीद एक तय समय सीमा तक होती है, उसके बाद वो भी बंद हो जाती है। एमएसपी का कितना लाभ अब तक आप लोगों को मिल पा रहा है?
देखिए MSP जो हमारा पंजाब है, पंजाब में हमको MSP पूरी मिलती थी। हम इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो कारपोरेट घराने हैं इन्होंने, जैसे आप देखिए जियो लेकर आए, पहले उन्होंने फ्री दिया, फ्री देने के बाद उनको जब लोगों ने सभी ने कनेक्शन ले लिए उसके बाद उन्होंने उस कह दिया सबसे महंगा कर दिया, 200 का कर लो आप, 400 का कर लो, तो उसकी वैलिडिटी उन्होंने बढ़ा दी और उनको पे कर दिया। जो दूसरी कंपनी थी वो कंपनी को भी उनके साथ में बनाना पड़ा क्योंकि कंपटीशन है। ऐसे ही एक बार जे लोग अपने जो मंडी चलाने के लिए एक बार हम लोगों को मूल्य देंगे, क्योंकि इसमें बात ऐसे है जो हमारे पंजाब में ऐसे है भी जो रोड है वो रोड जो है जो हम लोग मंडी बोर्ड का पैसा है उससे रोड बनते हैं। जब उस जो लोग जिन लोगों को जो कारपोरेट को देना चाहते हैं उन लोगों पर वो टैक्स कह रहे हैं कि हम उनको छूट दे रहे हैं, अगर वो 60 या 70 रुपए हमको ज्यादा देता है तो किसान तो ऑलरेडी उसमें जाएगा, ज्यादा लेने के लिए एक बार तो जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, हम किसानों को सुन रहे हैं, बातचीत आप जारी रखिएगा। किसान बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक ये कानून रद्द